मैं फलाहारी, मैं आलू खाता हूँ सिर्फ। सिर्फ आलू खाते? आलू खाता हूँ सिर्फ। हाँ जी नारायण जी। रोटी नहीं, दाल नहीं, चावल? नारायण जी, मैं सिर्फ गुरु, जब कभी अगर गुरु आ जाते, गुरु के साथ अगर कोई दूसरे दादा गुरु आ जाते हैं, नाना गुरु आ जाते हैं, बूढ़ा गुरु आ जाते हैं, चाचा गुरु आ जाते हैं, बड़े भाई गुरु आ जाते हैं, तो उनके लिए भोजन बनवा देता हूँ मैं। खाते नहीं? नहीं नारायण जी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ धर्म नगरी हरिद्वार में। हरिद्वार में आगाज़ हो चुका है विश्व के सबसे बड़े मेले महाकुंभ का। महाकुंभ में अलग अलग प्रकार के साधु सन्यासी संत महात्मा प्रवास कर रहे हैं, कुंभ कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में एक ऐसे साधु हैं जो साधु सन्यासी बने 2001 में और अब 2021 के हरिद्वार महाकुंभ में उनका होगा नागा सन्यासी की दीक्षा। बहुत बहुत मैं पहले तो स्वागत करना चाहूँगा देवगिरी जी महाराज जी का। मैं तो अनपढ़ हूँ नारायण जी, मैं कुछ जानता नहीं हूँ इस बारे में, मैं कुछ जानता नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ। अब गुरु जी आएंगे, गुरु जी बताएंगे मेरे, मैं तो अनपढ़ साधु हूँ। ठीक है, गुरु के चरणों में गया, मैं धर्म के लिए गया हूँ, कोई मेरे दोग पाप के लेने गया हूँ। अनपढ़ मैं भी नहीं हूँ, इतना अनपढ़ भी नहीं कि जो मैं जानता नहीं हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, ऐसी बात भी नहीं। लेकिन जब संन्यास ले जाता तो सन्यासी के लिए क्या होता है, एक रमता जोगी बहता पानी, क्यों? साधु का सारे पृथ्वी है या कुछ नहीं है। जब गुरु के चरणों में एक लाल चले जाता तो उसके बाद तो गुरु का अगर सच्चा लाल है तो गुरु की धारणा लेके चलेगा। अगर चेला अगर गलत बन गया, गलत लैंग्वेज में चले गया, गलत कर्मों में चले गया, तो इसका मतलब कोई ये नहीं। मैं अपने लिए तो मैं तो अपने गुरु के चरणों में, यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया कि गुरु के चरणों में मैं छः साहब मैं सन्यासी बनने जा रहा हूँ। मेरे जो 24 तारीख को संस्कार मेरे गुरु कराएंगे तो, लेकिन मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। प्लस एक भगवान का नाम लेना कोई गलत बात नहीं है और गुरु के चरणों में जाना कोई गलत बात नहीं है। भाजपा की मैं तो ज़्यादा जानता नहीं हूँ नारायण जी। तो महाराज वैसे अभी आप हरिद्वार कुंभ कर रहे हैं लेकिन रहते आप कहाँ पर हैं? रहता हूँ नारायण जी, मैं अभी हाल फिल जो है जस्ट मैं अभी हरिद्वार ही में हूँ। समझ लो वैसा जो है मुझे बरेली में भेजे हैं, वैसा मतलब गौमुख से भी। हाँ जी, उधर जन्म स्थान है मेरा, गौमुख आपका जन्म स्थान है। भोजन में क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बहुत से ऐसे साधु हैं अलग अलग प्रकार के। फलाहारी हूँ नारायण जी, मैं फलाहारी हूँ, मैं आलू खाता हूँ सिर्फ। सिर्फ आलू खाते? आलू खाता हूँ सिर्फ। हाँ जी नारायण जी। रोटी नहीं, दाल नहीं, चावल? नारायण जी, मैं सिर्फ गुरु, जब कभी अगर गुरु आ जाते, गुरु के साथ अगर कोई दूसरे दादा गुरु आ जाते हैं, नाना गुरु आ जाते हैं, बूढ़ा गुरु आ जाते हैं, चाचा गुरु आ जाते हैं, बड़े भाई गुरु आ जाते हैं, तो उनके लिए भोजन बनवा देता हूँ मैं। खाते नहीं? नहीं नारायण जी। तो कब से आप ये आलू वाला फलाहार कर? 6 साल हो गए नारायण जी। 6 साल आपसे नारायण जी, 6 साल से महाराज आलू का फलाहार कर रहे हैं, ना रोटी खाते हैं, ना दाल, ना चावल, ना अन्य कुछ लेते हैं। महाराज 6 साल हो गया आलू पे चल रहे हैं, कहाँ से इतना बल मिलता है जो आप आलू पे अब तक जिंदा हैं? देखो नारायण जी, वो गुरु की चरणों की कृपा है, मैं नहीं जानता, गुरु की चरणों की कृपा है, महामाई गंगा माँ की कृपा है, क्योंकि मैं स्वयं गंगा पुत्र है, भरपानी नागा हूँ और भरपानी नागा बनना चाह रहा हूँ। वो तो स्वयं परम पिता परमेश्वर गुरु है हमारे, गुरु जाने नारायण जी, वो तो मैं नहीं जान सकता हूँ नारायण जी। आप कहते हैं महाराज कि आप संन्यास लेने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको कुंभ में आने के बाद? ठीक है नारायण जी, धर्म नगरी है, देवी देवताओं की नगरी है, यहाँ 33 करोड़ देवी देवता यहीं विराजमान है, यहाँ हर देवता यहाँ पे विराजमान है, ऐसा कुछ ही नहीं है। ये धर्म नगरी है और गुरुओं की नगरी है। देशवासियों को कुंभ नगरी गंगा के तट से कुछ संदेश देना चाहेंगे? नहीं नहीं, मेरे को देशवासियों से कि सबको हार्दिक नंदन है, मेरी तरफ से महाकुंभ के स्वागत है, सारे देशवासियों को बधाई है मेरी तरफ से। तो ये थे महाराज देवगिरी जी, जिनकी नागा सन्यासी की दीक्षा होगी महाकुंभ में और उज्जैन के कुंभ 2001 में ये साधु बने थे। ऐसे तमाम साधु सन्यासियों के प्रत्यक्ष दर्शन तो आप नहीं कर पाएंगे लेकिन इस माध्यम से हम आपको लगातार अलग अलग प्रकार के साधु सन्यासियों के संवाद दिखा रहे हैं। यदि अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी अन्य साधु संत सन्यासी महात्मा के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। गौतम खट्टर के चैनल को सब्सक्राइब करें, भाई वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।